विश्व क्रिकेट के विस्फोटक ओपनर में शुमार भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर के बुरे वक्त को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि वो अच्छी लय में नहीं थे, तब कैसे चयनकर्ता ने खुद कहा था कि मैच खेलने लायक समझते हैं तो ही टीम में चयन कीजिए। इस बात को सहवाग ने आज तक किसी के साथ साझा नहीं किया था कि धोनी से बात करने के बाद उस वक्त के मुख्य चयनकर्ता ने उनको मौका दिया था। वक्त बदल गया है, मुझे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के श्रीकांत ने पूछा था कि अब आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी लय में होने के बाद भी मेरे लिए टीम में कोई जगह नहीं बनती। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर जो आप सोचते हैं कि मैं सारे मैच खेल सकता हूँ तभी मुझे टीम में चुनिए, वरना मुझे मत रखिए। इसके बाद धोनी के साथ श्रीकांत ने एशिया कप से पहले कुछ बात की थी। धोनी ने कहा था कि वीरूपा आप खेलेंगे। इसके बाद मैंने काफ़ी सारी क्रिकेट खेली लेकिन इस बात को मैंने किसी से भी नहीं साझा किया क्योंकि मुझे क्या करना है ये पता था। सहवाग ने कहा कि हर एक खिलाड़ी आलोचना पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलोचना को दिल से लगा लेते हैं। कुछ लोग अपने कान पर हाथ रख लेते हैं, कुछ इसके सलाम करते हैं तो वो अपने तरीके से इसे जताते हैं। हर एक का इससे निपटने का अपना तरीका होता है। विराट काफ़ी ज़्यादा आक्रामक और प्रतिक्रिया देने वाले दिखते हैं, ये उनका अपना तरीका है। जैसा कि फाफ डी प्लेसी ने कहा था कि वो इस तरीके से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं जिससे कि विराट जैसे खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की ऊर्जा मिल सके। ऐसे में विराट कोहली की बात को अगर अलग रखा जाए तो वीरेंद्र सहवाग के इस बयान ने काफ़ी लोगों को चौंका दिया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।